माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? माँ रुकिए, आप मुझे वहां से इस प्रकार क्यों लेके आई? मैं उस अशोक और अहंकार को ऐसा पाठ पढ़ाने वाला था कि अहंकारा के पिता को तुम्हारे पिता ने उसे सुरक्षित रखने का वचन दिया है, और अशोक को अहंकारा को सुरक्षित रखने का दायित्व। यदि तुम अपने पिता के वचन और उनके आदेश के विरुद्ध जाओगे, अब तक जो भी विश्वास तुमने पाया है ना, वो सब कुछ खो जाएगा। और ये समय अपने पिता के विरुद्ध जाने का नहीं, उनके साथ देने का है। किंतु माँ, मुझे उस अहंकारा से चिढ़ है। व्यक्तिगत नहीं हो सकते हो तुम इस समय सुशीम, समझते क्यों नहीं हो? अब से तुम वही करोगे जो मैं और महामात्य खलाटक तुम्हारे लिए निर्धारित करेंगे, समझे? चलो। अगर ये पाटलिपुत्र है तो ये उसकी बाहरी सीमा, हमारे मगध की सीमा, जहां हमारी ज्यादातर सेना तैनात है। ये वो क्षेत्र है जहां पे उज्जैनी और उन चार जनपदों की सेना इस हिस्से में, उन्होंने पाटलिपुत्र को चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है सम्राट, कि उज्जैनी की आधी सेना का रुख पाटलिपुत्र की ओर है, आक्रमण करने के लिए तैयार, और आधी सेना का रुख मगध की सीमा की तरफ, जिससे कि अगर हमारे सैनिक अंदर आना चाहे तो ना आ सके। युद्ध नीति के अनुसार उन्होंने हमारी सेना को बांटकर हमें कमजोर कर दिया। अरे समझ नहीं आ रहा कि उनकी इतनी बड़ी सेना मगध की सीमा पार कर कैसे आ गई और हमें ज्ञात कैसे नहीं हुआ। सम्राट, मैं जानता हूँ कि आपका इशारा मेरी तरफ है। एक बात बताइए मेर, जितने भी रातों में सैनिक आए, आपके सैनिक क्यों सोते रहे? वो क्यों नहीं रोक सके इस घुसपैठ को? सदैव आपका दोष छुपाने के लिए किसी और पर आरोप लगाने का काम ना करते, ऐसा कभी नहीं होता। कभी तो उत्तरदायित्व स्वीकार कीजिए। ये व्यक्तिगत संघर्ष का समय नहीं, इस समय हमें इस संकट से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना है। आचार्य, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूं कि हमारी सेना संख्या में उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इस रणनीति के अनुसार इस समय वो बेहतर स्थिति में। पाटलिपुत्र में हमारे 20,000 सैनिक हैं और मगध की सीमा पर 80,000। यदि सीमा पर स्थित हमारी सेना समय पे पाटलिपुत्र नहीं पहुंची तो राजभवन पर उनका नियंत्रण होगा। नहीं, और कोई रास्ता अवश्य होगा। हमें खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, इस उम्मीद के साथ कि मगध की सीमा पर तैनात हमारी सेना शत्रुओं को पराजित करते हुए पाटलिपुत्र आ जाए, और उस वक्त तक पाटलिपुत्र में तैनात हमारी सेना भवन की रक्षा करेगी। यदि सेनापति ही उम्मीद पर आश्रित होने की बात कर रहा है तो सेना में लड़ने का साहस कहां से आएगा? इन दोनों की असहमति में मुझे सहमति की दुर्गंध आ रही है। आचार्य, आपका क्या मत है? हमें युद्ध का निर्णय बिना सोचे नहीं लेना चाहिए, हमें युद्धेतर और कोई निर्णय लेना होगा। सम्राट, हमें ये सोचना होगा ये रानी निहारी का चाहती क्या है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है आचार्य, आक्रमण कभी भी हो सकता है। सम्राट, हमें लगता है कि आचार्य की बात पर विचार करना चाहिए। निहारी का ये जानती है कि उसकी पुत्री हमारे पास है, और वार्ता से कोई दूसरा मार्ग अवश्य निकाला जा सकता है। हम जाएंगे उससे बात करने। आप क्यों? जस्टिन ने जो कलंक लगाया है उसे धोने के लिए, क्योंकि आपके जैसे यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें हमारी सत्य निष्ठा और मंशा पर संदेह है। इसलिए जब जब कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी, हम प्रयास करते रहेंगे कि अपनी सत्यनिष्ठा पूर्ण प्रमाणित करेंगे। सैनिक, कोई और तो बाहर नहीं रह गया ना? केवल राजमाता हेलना
वो सम्राट के साथ ही रहना चाहती हैं। उनके अतिरिक्त राजमहल के सभी सदस्यों को दास दासियों सहित यहाँ पहुँचा दिए गए हैं। अब युद्ध हो या नहीं हो, उन उच्चैनियों पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे हम। मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो श्यामक, सब ठीक होगा। याद रहे, मेरी जानकारी, मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जाएगा। जी। सम्राट ने क्या निर्णय लिया है? उन उज्जैनियों का रक्त बहाने के लिए हमारी सेना युद्ध करेगी या नहीं? सम्राट अभी भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे कोई समाचार आता है आपको सूचित किया जाएगा। हमें अभी से यहाँ क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि ये स्थान सुरक्षित है और सम्राट भी चाहते हैं कि पहले ही आपको यहाँ पे स्थापित कर दिया जाए। यदि युद्ध होता है तो आपकी सुरक्षा में समय व्यर्थ ना, आपकी राज परिवार की सुरक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मुझे आज्ञा दीजिए। ये हो क्या रहा है? मगध पर एक के बाद एक संकट, पता नहीं क्या होगा। आप चलिए हमारे साथ, राजजोशी से बात करते हैं। हमें इन सब बातों में विश्वास नहीं, किंतु इनकी भविष्यवाणी सदैव सच होती है। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। प्रणाम। प्रणाम। ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं सम्राट और हमारे परिवार के लिए? त्रिशूल। मगध की भूमि पर अर्थात महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद बना हुआ है सम्राट पर और उनके तीन पुत्रों पर। इस ज्योतिष की बात कभी गलत नहीं होती। ये तीन पुत्र कैसे? श्यामक तो बिंदुसार का पुत्र है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिंदुसार का कोई और भी पुत्र हो जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो? तीन पुत्र ही क्यों, सम्राट के तो चार पुत्र है, सुशीम, अशोक, श्यामक और द्रुपद। कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक सुरक्षित नहीं है? आप तो अपने पुत्र का शोक मना रही हैं और ऐसी शोकाकुल मनस्थिति में आप शत्रु के समक्ष शांति वार्ता कैसे कर सकती हैं देवी? पुत्र ने मगध को क्षति पहुंचाई, माँ उसकी क्षति पूर्ति करेगी। माँ, मैं भी आचार्य की बातों से सहमत हूं। मुझे लगता है हमारे ओर से आचार्य चाणक्य को ही जाना चाहिए। नहीं, एक तो आचार्य के अपहरण में राजा जिराज का भी हाथ था। आचार्य को देखते ही राजा जिराज की पत्नी को संदेह हो जाएगा कि हम कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं, और परिणाम उल्टा ही होगा, क्योंकि वार्ता के लिए विश्वास होना बहुत आवश्यक है। फिर कौन जा सकता? कोई ऐसा जो रणनीति, युद्ध, राजनीति, कूटनीति जानता भी हो और जिससे भेंट करके निहारिका को भी सुरक्षित लगे। सेनापति मीर खोरासन को भेजा जा सकता है। नहीं, इतना बड़ा दायित्व हम मीर पर नहीं सौंप सकते। इन्हीं के असावधानी के कारण एक घुसपैठी हुई है। पर हमारे अतिरिक्त एक मीर ही हैं, जिनका आपसे संबंध भी है। ससुर है वो आपके और आपका हित समझेंगे। हमें लगता है कि मीर को भेजने से निहारिका को भी बहुत सुरक्षित लगेगा। ठीक है। हाँ सम्राट, मैं जानता हूँ कि एक बार मुझसे चूक अवश्य हुई, लेकिन इस बार मैं आपके यकीन को नहीं तोड़ूंगा। यदि सम्राट की इच्छा है तो मगध के हित के लिए मैं जरूर जाऊंगा।
अब मुझे कोई संदेह नहीं, यहां कोई ना कोई साठ गांठ अवश्य है। रानी जी की जय हो। आपसे मिलने मगध से दूत आया है। मगध सम्राट बिंदुसार ने संदेश भेजा है कि मगध के सेनापति मीर खुरासान सम्राट की ओर से वार्ता करेंगे। रानी निहारिका, शत्रु के रक्त की गंध पहचानना सीखो ताकि उन्हें दूर से ही पहचान सको। विष लाओ। लीजिए महाराज। सटीक उपाय निकाला है आचार्य चाणक्य ने। विष से विष को निष्प्रभावित करना। दूत की हत्या करके निहारिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो ना केवल युद्ध ही चाहती है बल्कि हमें पराजित करने के लिए युद्ध के नियमों का उल्लंघन भी करेगी। तो सम्राट देर किस बात की है? नहीं, युद्ध हुआ तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी। ये रक्तपात मगध के लिए उचित नहीं होगा। शांति स्थापित करने का और कोई विकल्प तो होगा? रानी निहारिका से मैं बात करूं? क्या कहा तुमने? तुम जाओगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है अशोक। मुझे अशोक के साहस पर अत्यंत विश्वास है, किंतु हम उसे वहां नहीं भेज सकते। आपने ठीक कहा आचार्य, मैं अशोक को संकट में नहीं डाल सकता। राजकुमार सुशिम ने भी ठीक कहा है, यह बच्चों का खेल नहीं है। निहारिका ने हमें चुनौती दी है और उसे युद्ध चाहिए। युद्ध होगा, अवश्य होगा। उसे भी अपने भूल का आभास होना चाहिए। आप यहां कैसे? मुझे लगा था कि आप रानी तो था अन्य कर्मचारियों के साथ होंगी सुरक्षित कक्ष में।
राजकुमार द्रुपद को लड्डू खाने की इच्छा हो रही थी, वही ले ले आई थी कि तू आप यहाँ, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की है? सभी छात्रों को गुरुकुल में ही रहने का आदेश है, मैं वहीं जा रहा था जब ज्ञात हुआ कि रानी निहारिका ने मगध के एक दूत की हत्या कर दी, तो उसका शव आया था, वही देखने गया था। क्या आवश्यकता थी वहां जाने की? क्यों गए आप वहां? क्या मिला उस शव को देखकर? अशोक स्मरण रहे, आप योद्धा नहीं है जिस पर मगध की सुरक्षा का दायित्व हो। इस युद्ध में सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे आप? अशोक, युद्ध से किसका भला नहीं हुआ है? किसी का नहीं। आप चिंता मत करिए माँ, मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा। और सत्य तो यही है कि सम्राट भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, किंतु शत्रुओं ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। विकल्प सदैव होते हैं, शांति का मार्ग भी होता है, कठिन होता है लेकिन होता है अवश्य। यदि ये युद्ध हुआ तो न जाने कितने निर्दोष मृत्यु को प्राप्त होंगे, कितने घर उजड़ जाएंगे। अशोक, आप चिंता मत करिए माँ, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए। क्या होगा अब? वही जो हर युद्ध में होता आया, जनता पिसेगी। सत्य कहा, राजवंशियों की सुरक्षा के लिए सेना होती है, पर औरों के लिए कोई सुरक्षा नहीं। राजा पराजित तो प्रजा प्रताड़ित, और यदि राजा विजय हो भी जाए तो जय जयकार तो केवल राजा की ही होती है। किसे स्मरण रहते हैं वो सैनिक जो इस विजय को संभव करने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए? उनके तो नाम भी याद नहीं रखता कोई। यहाँ बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से क्या परिवर्तित कर लोगे तुम दोनों? और हम कर भी क्या सकते हैं अशोक, तुमने प्रयास किया था ना, क्या उत्तर मिला तुम्हें? अब तुम कहाँ जा रहे हो? स्थिति को परिवर्तित करने। क्या, कैसे? दूत बनकर जाऊंगा मैं। मूर्ख मत बनो, ये कोई महायोद्धा की प्रतियोगिता नहीं है, असली का युद्ध है। हम इतना बड़ा खतरा कैसे ले सकते हैं? तुम दोनों को कौन कह रहा है मेरे साथ चलने को? अशोक, सारे द्वार बंद है, यदि हम यहाँ से बाहर जाना भी चाहे तो कैसे जाएंगे? तो तुम ही कोई मार्ग बता दो। ये रास्ता तुम्हें कहाँ से ज्ञात हुआ? प्रतियोगिता में मैं दिशा भटक गया और तब मैं यहाँ आया। माँ यही तो कहती हैं कि जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। तुम उस दिन दिशा इसलिए भटके थे क्योंकि आज तुम्हें हमें दिशा दिखाना पूर्व नियत था। पाटलिपुत्र से तो बाहर आ गए, किंतु अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? शत्रुओं ने चारों ओर से घेरा हुआ है, हम कैसे पता करेंगे कि रानी निहारिका कहाँ है? दक्षिण उधर है और यहाँ से दक्षिण सीमा पर शत्रुओं का शिविर सबसे समीप होगा, हमें पहले वहीं चलना चाहिए। चलो। रानी निहारिका ने वार्ता से मना कर दिया है, जिसके फलस्वरूप सम्राट ने युद्ध करने का निर्णय लिया है। सबसे यही निवेदन है कि शांत रहें और सम्राट तथा मगध के सैनिकों की विजय के लिए प्रार्थना करें। अगर ये युद्ध हुआ तो हमारे लिए धर्मा को ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो हालात का फायदा उठाकर सम्राट तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो हम उसका उपयोग बिंदुसार से बदला लेने के लिए नहीं कर सकेंगे, उसे ढूंढना ही होगा हमें। हमें हमारे चचिन की मौत का बदला जो लेना है उस बिंदुसार से। ये कोई साधारण व्यू नहीं है, चक्र व्यू है। इसे तोड़ पाना बड़ी से बड़ी सेना के लिए कठिन होगा। इसे तोड़कर हम रानी निहारिका तक कैसे पहुंचेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि रानी निहारिका यहाँ है भी या नहीं, क्योंकि शिविर तो मगध के चारों ओर है, तो वो कहीं भी हो सकते हैं।
अब ये घड़ा ही मुझे रानी निहारिका तक पहुंचाएगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.